हेलो एवरीवन, वेलकम बैक विद अनदर वीडियो। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि पीपीएससी की जो है रोल नंबर स्लिप वो आप किस तरह से डाउनलोड कर सकते हैं। जैसे कि आप सब जानते हैं कि 24 और 25 को इंटेलिजेंस ऑफिसर का पेपर है, इसके अलावा भी काफ़ी केनाल पटवारी और लेबर ऑफिसर का पेपर है। तो वीडियो शुरू करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी आज की इस वीडियो को। आपने सिंपल गूगल पर जाकर पीपीएससी वेबसाइट सर्च करनी है। सबसे पहले वाले लिंक पर क्लिक करना है, उसके बाद आपने इसको स्क्रॉल डाउन करेंगे तो नीचे आएगा प्रिंट एडमिशन लेटर। पहले तो ये जैसे उन्होंने डिटेल बताई है कि कौन कौन से टेस्ट होंगे 24 और 25 को, इसको आपने स्किप करना है। आपने सबसे पहले जाना है प्रिंट एडमिशन लेटर, वहाँ पे आगे आएगा CNIC। आपने वहाँ पे अपना CNIC लिखना है और जो जिस भी पोस्ट के लिए आपने अप्लाई किया है आपने उसको सबमिट कर देना, आपकी रोल नंबर स्लिप जो है वो डाउनलोड हो जाएगी। जैसे ये लिखा हुआ है प्रिंट एडमिशन लेटर, इस पर आप क्लिक करेंगे तो आगे आ जाएगा CNIC और साथ में आ जाएगी कि आपने किस मतलब किसके लिए पोस्ट के लिए अप्लाई किया था। ये देखें, जैसे केनाल पटवारी का पेपर है, हेडमास्टर का पेपर है, उसके बाद तहसील फोर्ट का पेपर है, इंटेलिजेंस ऑफिसर का पेपर है, लेबर इंस्पेक्टर का पेपर है। यहाँ पे आप इस तरह से CNIC लिखेंगे और साथ में अपनी पोस्ट सेलेक्ट करेंगे और उसको सबमिट करने के बाद आपकी जो रोल नंबर स्लिप है वो सामने आ जाएगी और आप इसको ईजिली डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड करने के बाद आप उसको देख सकते हैं कि आपका पेपर कब और कहाँ पर है। जैसे मैं आपके साथ एक एडमिशन लेटर शेयर करती हूँ, जैसे ये नेम, आपका रोल नंबर और सारी चीज़ें इस पर आ जाएंगी। इस तरह आप इजीली अपनी जो है रोल नंबर स्लिप हासिल कर सकते हैं। इस पर आपका डेट और उसके बाद जो लोकेशन है, सेंटर है मेन, वो सारी चीज़ें इस पर मेंशन की गई हैं। ये तो थी हमारी आज की वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलते हैं एक नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ।